नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, केवल राजनीतिक फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में 140 दिन के बाद कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4 लाख से कम हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में तैयार कोविड वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चौथे चरण के चुनाव में 50% से अधिक मतदान हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच कल सिडनी में। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस और गैर भाजपा दल केवल सरकार के प्रयासों के विरोध के लिए ही देश में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के कार्यों से पता चलता है कि वे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। Their entire approach is of shameful double standards. They are seeking to confuse based upon wrong facts. और दूसरी बात, जो काम आपने करने की कोशिश की, जो आपने पूरा नहीं किया, जिसको आप सही मानते थे, आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। हम उनके इन पूरी धारणा का पूरा विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और देश का किसान सच्चाई को समझता है। श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में कृषि कानूनों के संशोधन की बात कह चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। इससे उनके दोहरे चरित्र का पता चलता है। श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार 2005 में ही कृषि कानूनों में संशोधन की वकालत कर चुके हैं और अब राजनीतिक लाभ के लिए इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आदरणीय शरद पवार जी, आप तो बड़े अनुभवी नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं केंद्र, रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए हैं। तो इसे अगर शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति अपना अस्तित्व बचाने के लिए कहा जाए तो कुछ अनुचित होगा क्या? आई एम गिविंग यू प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू शो द अटर डुप्लीसिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। श्री प्रसाद ने कहा कि किसानों के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी कंपनियों के साथ साठगांठ करके किसानों को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान भी ठेके पर आधारित कृषि की सिफारिश की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अनेक राज्य सरकारों ने अपने यहां ठेका कृषि लागू की थी और इनमें कई कांग्रेस शासित राज्य भी शामिल थे। श्री प्रसाद ने कहा कि ठेका खेती के प्रावधानों के अंतर्गत ठेके में भूमि शामिल नहीं होगी और केवल उनकी उपज की बिक्री से ही सरोकार होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। बल्कि मैं पढ़ी देना चाहता हूं, सेक्शन 8, स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्मर्स लैंड प्रमाइसेस। श्री प्रसाद ने कहा कि कृषि कानूनों के बारे में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत के अलावा प्रशिक्षण और विचारों के आदान प्रदान कार्यक्रम चलाए गए थे। इस वर्ष जून से अब तक इस विषय पर 1,37,000 वेबिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लगभग 92,42,000 किसानों ने हिस्सा लिया। श्री प्रसाद ने कहा कि इस वर्ष नवंबर तक 60,000 करोड़ रुपए मूल्य के 318,00,000 टन धान की खरीद की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें से 202,00,000 टन धान की खरीद केवल पंजाब से की गई थी।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में कल बुलाए गए भारत बंद की निंदा की है। शिमला में उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि विपक्षी दलों का ऐसा राजनीतिक आंदोलन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की छवि को खराब करने के मकसद से किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि इन्हीं दलों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था और अब वे इसका विरोध करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किसानों ने नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन का स्वागत किया है क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ी है और वे बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले के बडवाह गांव के किसान कमल पटेल ने कहा है कि नए कानूनों से उन्हें अपनी उपज निजी कंपनियों को बेचने में मदद मिली है जिससे उन्हें अच्छी आय हुई है। मैं कमल पटेल, ग्राम बधावा, तहसील सतवा, जिला देवास, मध्य प्रदेश। नए बिल आने के कारण अच्छी मदद मिली है किसानों के लिए, ये मददगार बिल है और इसके कारण दाम भी अच्छे ऊंचे मिल रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ITC का हब खुला है। चंडीगढ़ के मुख्तसर साहिब के किसान शिवचरण सिंह ने कहा कि नए कृषि कानून ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ किसान विपक्ष के बहकावे में आकर इनका विरोध कर रहे हैं। इन कानूनों से न केवल किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा बल्कि फसलों के विविधीकरण में भी अप्रत्यक्ष ढंग से मदद मिलेगी। मैं शिवचरण सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर, स्टेट पंजाब तो बिलोंग करता, मैं किसानी दे नाल जन्म तो ही लग्या होया। ये जेडे बिल है बड़े हिस्टोरिकल बिल्स है, वे बड़े गेम चेंजर है, बड़े रिफॉर्म्स आले बिल है जेडे कि पंजाब एक नवी उचाई ते लेके जा सकते हैं। मैं नटशेल इन शॉर्ट दे विच कहांगा भी ये पंजाब वास्ते हिस्टोरिकल रिफॉर्म इस तरह है क्योंकि इस नाल एग्रीकल्चर फील्ड दे विच लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आऊगी। खरीफ की वर्ष 2020-21 की फसल में धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है और 6 दिसंबर तक 344,86,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 282,66,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। पिछले वर्ष की तुलना में ये 22% अधिक है। इस वर्ष 30 नवंबर तक 344,86,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी में से पंजाब से 202,77,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी जो देश में धान की कुल खरीदारी का 58.79% है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 65,111,34,00,000 रूपये मूल्य के धान की खरीद हो चुकी है जिससे करीब 35,03,000 किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन परियोजनाओं के अंतर्गत 100,00,000 करोड़ रूपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश में आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि 8,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि से बनने वाली इस मेट्रो परियोजना से आगरा में उच्च श्रेणी की सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मिशन को बल मिलेगा। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे की बड़ी समस्या ये है कि नई परियोजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती है लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि पैसा कहां से आएगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाने पर है और आगरा में मेट्रो परियोजना इसका एक उदाहरण है। पर्यटन क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ई वीजा योजना के तहत लाए गए देशों की संख्या में वृद्धि की है और होटल के कमरे का किराया काफी कम कर दिया है।
उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं से पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मेट्रो सेवाओं के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो से प्राचीन शहर के पर्यटन क्षेत्र को भी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत अब यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 34वें नंबर पर है। भारत अब ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 34वें नंबर पर आ गया है, जबकि 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर रुका पड़ा था। आज वहां से इतनी प्रगति हुई, मुझे उम्मीद है जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद 450 किलोमीटर मेट्रो लाइन का परिचालन किया गया, जबकि इससे पहले ये मात्र 225 किलोमीटर थी। उन्होंने ये भी बताया कि 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 27 शहरों में इस पर काम जारी है। बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से मेरठ तक पहली रैपिड रेल प्रणाली निर्माणाधीन है और राज्य के पश्चिमी भाग में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे सहित कई अन्य विकास कार्य प्रगति पर हैं। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों की सेवा देने लगेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को सरकार पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। यही नहीं, यूपी में दर्जनों एयरपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भवन निर्माताओं और घर खरीदारों के बीच कम विश्वास था। उन्होंने कहा कि कुछ गलत इरादे वाले लोग मध्यम वर्ग को परेशान करते हुए समूचे संपदा क्षेत्र को बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए भू संपदा अधिनियम कानून लाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि इस कानून के बाद मध्यम वर्ग के लोगों को घर जल्दी ही मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से हुए सर्वांगीण विकास के कारण शहरों में जीवन यापन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन आगरा से किया गया था और इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। शहर के मध्यम वर्ग के लिए पहली बार घर खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 लाख से अधिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की मदद की गई है। उन्होंने कहा अमृत मिशन के तहत कई शहरों में पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के शहरी मध्यम वर्ग को घर, स्वास्थ्य कार्ड, ऋण और अन्य आर्थिक मदद पर सब्सिडी के मामले में सरकार से कई सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर कोई कोरोना वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहा है और अब इसका ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को तब तक उचित सुरक्षित दूरी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती। आगरा मेट्रो परियोजना 29.4 किलोमीटर लंबी है और इसमें 2 गलियारे हैं जो ताजमहल, आगरा किला तथा सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जुड़ेंगे। इस परियोजना से शहर की 26 लाख आबादी को लाभ पहुंचेगा और हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटकों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,379 करोड़ रुपये है और ये 5 वर्ष में पूरी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़ जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है, यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड 19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 1-4-5-5-5 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, केवल राजनीतिक फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में 140 दिन के बाद कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4 लाख से कम हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में तैयार कोविड वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चौथे चरण के चुनाव में 50% से अधिक मतदान हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच कल सिडनी में। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 140 दिन के बाद संक्रमित रोगियों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 7 दिन से देश में 10 लाख की आबादी पर 186 मामले सामने आने की पुष्टि हुई है, जबकि यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 504 है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के करीब 33,000 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 96,77,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान महामारी में 391 लोगों की मौत हुई है। देश में मृतकों की कुल संख्या 1,40,573 हो गई है। देश में अब तक करीब 91,40,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.45% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कोविड के करीब 14,78,00,000 जांच की जा चुकी हैं। कल 8 लाख से अधिक जांच की गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने देश में ही तैयार की गई कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की आपातकालीन मंजूरी का आवेदन किया है। SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा है कि ये टीका बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत के औषधि महानियंत्रक को भेजे गए अपने आवेदन में कहा है कि महामारी की मौजूदा स्थिति और लोगों की चिकित्सा संबंधी जरूरतों के मद्देनजर आपात मंजूरी की जरूरत है। इससे पहले फाइजर कंपनी भी अपने टीके के भारत में आपातकालीन प्रयोग की अनुमति के लिए ऐसा ही आवेदन कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कोविड टीके के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत पुर्तगाल प्रौद्योगिकी सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में करीब 30 टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2 टीकों का विकास अपने अंतिम चरण में है। ये टीके हैं ICMR भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और भारतीय सीरम संस्थान का कोविशील्ड। ये दोनों ही टीके प्रशिक्षण के तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इन टीकों के परीक्षण में शामिल है। भारत में टीका बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के टीकों का भी प्रशिक्षण किया जा रहा है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत की औषधि निर्माण कंपनियों में से एक डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज रूसी टीके के मनुष्य पर पहले दौर के प्रशिक्षण और नियमित रूप से इसकी मंजूरी मिलने के बाद भारत में इसका वितरण करेगी।
कर्नाटक में आज कोविड संक्रमण के 998 नए मामले मिले तथा 1601 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 76,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं, जिनमें लगभग 70,000 आरटीपीसीआर टेस्ट शामिल हैं। कर्नाटक में कोविड पॉजिटिविटी रेट 1.30% है और केस फेटालिटी रेट 1.10%। विधान परिषद में सवाल का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने कहा कि भारत में कोविड वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल का तीसरा चरण चल रहा है और उसको स्वीकृति प्राप्त हुआ तो उसके वितरण का पूरा इंतजाम हो चुका है। वैक्सीन आते ही 2,24,000 से ज्यादा सरकारी और 2,45,000 से ज्यादा निजी क्षेत्र में काम कर रहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन दिया जाएगा। इसी तरह 68,317 सरकारी और 35,310 निजी वैक्सीनेटर्स को तैनाती के लिए रखा गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महाराष्ट्र में कोविड के दौरान नर्सों की स्थिति, चुनौतियां और समाधान विषय पर आज मुंबई में एक वेबिनार आयोजित किया गया। पुणे के साथी संस्थान नर्सेज फेडरेशन और यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन ने मिलकर इस वेबिनार का आयोजन किया। एक रिपोर्ट। राज्य में 17,000 परिचारिकाओं की आपूर्ति के चलते महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि सरकार जल्द ही इनमें से करीब 50% स्थान भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। पुणे के साथी संस्था द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री टोपे ने कहा कि एशियाई विकास बैंक से 5,000 करोड़ रुपए की निधि जल्द ही प्राप्त होने की उम्मीद है। इस पूंजी का उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने और सरकारी अस्पतालों में अभिनव बदलाव लाने के लिए किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए परिचारिकाओं की भूमिका की सराहना करते हुए महाराष्ट्र की विधान परिषद की उपाध्यक्ष डॉक्टर नीरम गोरे ने कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उचित उपाय करेगी। निशा राणी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगते चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस चरण में 50% से अधिक मतदान होने की खबर है। जम्मू मंडल में बड़ी संख्या में लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने जम्मू में बताया कि कश्मीर में 31.95% मतदान हुआ, जबकि जम्मू में मतदान प्रतिशत 69.31% रहा। केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद के चुनाव 8 चरणों में कराए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। पुंछ जिला में सबसे ज्यादा 75.42% मतदान हुआ, जबकि पहाड़ी जिला डोडा में 75.03% मतदान हुआ। जम्मू संभाग में सबसे कम मतदान उधमपुर में हुआ, जहां मतदान का प्रतिशत 59.90 था। कश्मीर घाटी में गांधरबल में सबसे ज्यादा 58.28%, बारामूला में 47.43% और बांडीपुरा में 45.22% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। आज के चौथे चरण के मतदान से 249 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदान पेटी में सील हो गया है। परिषद चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर लगभग 52%, दूसरे चरण में 43 सीटों पर 49% और तीसरे चरण में 51% मतदान रिकॉर्ड हुआ था। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रहना। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की 21 सीटों के लिए आज पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अंतिम समाचार मिलने तक वहां 75.21% मतदान होने की खबर है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 शुरू किया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया। सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करते हुए कोरोना कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वीके पॉल ने कहा कि सभी उपाय वैज्ञानिक तरीके से चलाए गए हैं। Middle of March, it became apparent that the pandemic is spreading phenomenally, and we were almost on the path that other countries such as Europe has taken. So we, through lockdown, ensured that we deviated from that devastating path. We brought the intensity of the virus spread phenomenally low. We saved lives as a nation, and because we got time to prepare our health system, our facilities, our testing, our technologies, all this is now has stood the test of time. And we have been able to manage the pandemic effectively. सरकार ने देश में कोरोना महामारी को सीमित करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। हमारे संवाददाता ने सरकार द्वारा इस चुनौती से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। चुनौतीपूर्ण समय में कठिन निर्णय लेना और उसका पूरी तरह पालन करना आवश्यक होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विभिन्न एजेंसियों ने कोरोना वायरस के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के संकल्प के साथ त्वरित कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में कंटेनमेंट, सर्विलांस और परीक्षण सहित कोविड से जुड़े मामलों की निगरानी शुरू कर दी। प्रोटोकॉल के अनुसार तेजी से घर घर जाकर निगरानी और परीक्षण किए गए। कोरोना मरीजों की पहचान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया। मास्क का इस्तेमाल, दो गज की दूरी है जरूरी और बार बार हाथ धोने जैसे अनिवार्य 3 सरल कदमों के साथ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं पर जोर देते हुए जन जागरूकता फैलाई गई। सभी शैक्षणिक संस्थान, स्टेडियम और स्पोर्ट्स क्लब, रेस्तरा आदि बंद किए गए। सभी राज्य सरकारों ने शादी समारोह के मेहमानों और दाह संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या भी सीमित कर दी। 4,450 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 60 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया गया। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान देशभर में फंसे प्रवासी कामगारों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के परिवहन के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाना शुरू किया। वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु कार्यक्रम के जरिए विदेशों में फंसे लाखों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए आकस्मिक उपायों की घोषणा की। नागरिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए गए, जिनमें आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, कोविड योद्धाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं और आयुष्मान भारत शामिल हैं। मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, परीक्षण किट बनाने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद तरीके विकसित करने में घरेलू और लघु उद्योग जुट गए। आज 3 भारतीय कोविड टीके विकसित किए जा रहे हैं। इससे टीका निर्माताओं को बहुत प्रोत्साहन मिला है। आज कोविड नियंत्रण के मामले में भारत दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में है। सौभाग्य कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन में 1:15 से प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। घरेलू शेयर बाजार आज अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 347 अंक के उछाल से 45,427 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 97 अंक बढ़कर 13,356 पर बंद हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा केवल राजनीतिक फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं का दोहरा चरित्र उजागर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरे विश्व से निवेश आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में 140 दिन के बाद कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4 लाख से कम हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में तैयार कोविड वैक्सीन के आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन किया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चौथे चरण के चुनाव में 50% से अधिक मतदान हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच कल सिडनी में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।